हे गाइस, बहुत कर दिया अस्सलाम उन्होंने यहाँ पर वालेकुम। यार मां खान कोई के पतंग ब्लॉग में चला, बहुत बहुत पतंग आपका चला स्वागत है, दिल रहे से हैं स्वागत है। और भाई मैंने पतंग बोला था से मैं जब कहीं लड़ा जाऊंगी हुआ तो वो गोड़ जरूर मगड़ गया। दिखाऊंगी ब्लॉग में, तो आज मैंने ब्लॉग डाल नहीं पाया। और सुबह मेरी फ्लाइट है और सुबह मुझे कट गए, निकलना है छः वो बजे गए, वो तो गए, जैसे ये मैंने आपको बताया था मेरी तैयारी हो चुकी है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से अपना बैग। एग ये देखिए गाइस, इसमें तो मेरी दवाइयाँ हैं। आपको पता है कि मैं मेंड में बहुत दर्द रहता तो उसकी दवाइयाँ हैं। और एक मैंने बैग ये वाला ले लिया और एक है वो वाला बैग। तीन मैंने बैग ले लिए हैं, मैंने लिए लिए हैं तीन बैग। और मेरी सुबह की है फ्लाइट, इंशाल्लाह सुबह निकलती हूँ। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी सफ़र का ब्लॉग कि मेरा कैसा सफ़र रहेगा। और मुझे बहुत सारी दुआएं दीजिए, सफ़र अच्छा रहे, अच्छा से कटे। और आगे की अपडेट आप लोगों को देती रहूँगी मैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किस फंक्शन में जा रही हूँ, किन किन लोगों से मिल रही हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों के गाइस, अस्सलाम वालेकुम के ब्लॉग में जैसे मैंने बताया था आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने बताया था मैं सुबह निकलूँगी कहीं पर, तो मैं बहुत रात में निकली थी इसीलिए जो है मैं दिखा नहीं पाई आपको। लाइटें सब तरफ थी और मैं मेरी बहन जी, जैसे मैंने आपको बताया था हम दोनों ही सिर्फ निकले। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं जहाँ जा रही हूँ तो आप लोगों को बताऊँगी। और कल मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि मैंने कल ब्लॉग शूट नहीं करा क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया। पैकिंग में तो आपको पता है कितना टाइम लग जाता। और जैसे कि मैंने बोला कि चांदनी और हमारा अंशु दोनों बच्चे जो हैं वो परेशान करते हैं। जब मैं उनका सोने का वेट कर रही थी, जब वो सो गए तो मुझे आके मैंने पैकिंग करी है। और मेरे तीन बैग बने हैं, मैंने आपको बैग दिखाए थे अपने कल। तो इसलिए आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग आएगा क्योंकि जो है मैंने बोला था आप लोगों से कंटिन्यू ब्लॉग डालूंगी लेकिन नहीं डाल पाई, इसके लिए सॉरी। और मेरी बाजी ने, मैं तो रात को ही निकलने वाली थी लेकिन बाजी ने मना कर दिया था। बाजी बोली क्या नाम जो है रात को मत निकलना क्योंकि तुम दोनों निकल रहे हो, लेडीज़ लेडीज़ हो, माहौल सही नहीं चल रहा है, इसलिए बोल दिया कि रात को मत निकलना, सुबह मैं जल्दी निकल दूँगी तो सुबह चली जाना। तो मैंने कहा ठीक है सुबह निकल जाऊँगी। तो बाजी सो रही थी, मैं ही इतनी फिक्र में थी, मैंने क्या फिक्र, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि जाने की सुबह उठने की। तो मैं सुबह जल्दी उठी, मेरी आँख खुल गई थी 3 बजे। तो मैंने बाजी को बुलाया, मेरे बाजी उठो उठो और मुझे जाना भी है, निकलना भी। तो बाजी उठ गई 4 बजे। बाजी ने मेरे लिए बनाया थोड़ा सा लंच क्योंकि मैं ज़्यादा लेती नहीं हूँ, आपको पता है मैं हुमा डाइट पे रहती है तो मैंने कम ज़्यादा लेती नहीं हूँ। तो मैंने थोड़ा ही सा लिया है, पैक करवा लिया। और मैंने कहा बस इतना ही सही है। तो फिर बाजी ने नमाज पढ़, बाजी ने क्या जो है चाय बना देती, तो मैंने चाय बना दो। तो मैंने ब्रेड लिए और चाय ली, बस ऐसा नाश्ता हो गया। और मैंने पढ़ी सुबह फजर की नमाज क्योंकि टाइम मिल गया। तो मैंने कहा आग भी खुल गई तो नमाज भी अदा कर लेती हूँ। आप लोग पूछ रहे होंगे काश, आप लोग कह रहे होंगे काशी और चांदनी कहाँ है, फर्श चांदनी है घर पे क्योंकि मैंने बोला है आप लोगों को क्योंकि इतनी लंबे टूर पर तो मैं काशी को नहीं ले जाती हूँ। लेकिन जो है मुझे बहुत फिक्र थी, मेरे अपने हस्बैंड से बोला है कि तुम आना और आने के बाद में इनको खाना देखा जाना। तो बोल रहा है ठीक है। मैं काशी कल से बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था, बहुत टेंशन में हो गया था। चांदनी मुझे बहुत प्यार कर रही थी, आशु को दोनों बच्चे कहते थे मम्मा मत जाओ मम्मा मत जाओ, लेकिन मुझे निकलना था, मेरी बहुत